सड़क के किनारे पर ढाबा के काउंटर पे शारदा बैठी हुई थी और बहू अनामिका हाथ पंखे से उन्हें हवा कर रही थी। बहू, हमारा ढाबा बिल्कुल सड़क किनारे है, इसलिए क्या कोई यहाँ खाने के लिए नहीं आ रहा है या फिर सारे ढाबों का एक ही हालत है? सासू माँ शारदा के इस सवाल को सुनकर बहू अनामिका मजाक में कहने लगती है, तो क्या आप चाहती है मैं बाकी ढाबों में जाके देख के आऊँ? मजाक कर रही हो? नहीं माँ जी, ढाबा के प्रति प्यार दिखा रही हूँ। ढाबे में बैठकर इस तरह की बातें हुई रही थी तभी सुधीर और अंजलि शारदा और अनामिका के ढाबे पे आते हैं। उन्हें देखकर सास बहू दोनों बहुत खुश हो जाती है। आप लोगों को क्या खाना है? चिकन, मटन, फिश करी के साथ साथ बिरयानी भी है, सब कुछ गर्मा गर्म है। खाने का सामान गर्म है वो तो ठीक है, पर हम जहाँ बैठेंगे वो जगह ठंडी नहीं है, बाहर इतनी गर्मी है, धूप है, अगर ढाबे के अंदर भी इतनी गर्मी हो तो कैसे चलेगा बताइए? आप लोग जाके बैठिए बाबू, हमारे पास कूलर है, मैं जाके उसमें पानी डाल देती हूँ, बिल्कुल ठंडी हवा मिलेगी। शारदा के इस तरह से कहने पे सुधीर अंजलि को लेकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। सास बहू एक दूसरे को बस देखती ही रह जाती है। मैंने पहले ही कहा था गर्मी की समस्या है, तापमान बहुत ज्यादा है, अगर हम एसी नहीं भी चलाते हैं कम से कम कूलर चला के तो रखिए। लोग जब भी ढाबे के अंदर आएंगे उन्हें ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, वो खुश होके वहीं पे बैठ के आराम से खाएंगे, पर आप मेरी एक बात नहीं सुनती हैं। इसी दौरान बाप बेटा प्रसाद और रमेश भी वहाँ पर आ पहुँचते हैं। सास बहू उन दोनों पे जिम्मेदारी देकर घर लौट आती है। अनामिका अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उधर शारदा जब पानी पी रही होती है वहाँ पे हरीश और भव्या उसके पास जाते हैं। दादी, माँ कहाँ है? सर दर्द हो रहा था इसीलिए सो रही है। बहन, जाके माँ को बुलाओ ना। ठीक है भैया, कहकर भव्या जाने ही वाली थी कि शारदा उसे रोककर कहने लगती है, ऐ रुको, यहाँ पेड़ के तरह मैं एक इंसान खड़ी हूँ कि नहीं? हाँ। कौन सा बड़ा पेड़ दादी, ये तो एक छोटा सा पेड़ है। भव्या की ऐसी बातें सुन के हरीश आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगता है। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। किससे क्या बात कर रहे हो? हाँ दादी माँ से, वो भी हिंदी में बात कर रही हूँ। अरे बहन, दादी वो नहीं पूछ रही है, तुमने जो कहा बड़ा पेड़ छोटा पेड़ उस बारे में दादी पूछ रही है, सही कहा ना दादी? सही कहा पोते साहब, वैसे महारानी आपको मुझे देखकर कुछ समझ में नहीं आता। सॉरी दादी, ओ छोटी पेड़। शारदा को अब गुस्सा आ रहा है। पर मुझे तो डर नहीं लग रहा है दादी। बहन, दादी के साथ बहुत मजाक मस्ती हो गया, अब जाके तुम माँ को बुला के ले आओ। फिर से वही बात, मैं यहाँ पे हूँ ना, तुम लोगों को क्या चाहिए बताओ, मैं करके देती हूँ। मुझे और बहन को बहुत भूख लगी है दादी, खाने के लिए कुछ दे दो ना। हरीश के इस तरह कहने पर शारदा भव्या को देखकर कहती है, अरे पोते साहब, भूख लगी है तो ये कह सकती है ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी पर भूख लगी है ये एक बार नहीं कह सकती। बोल सकती हो दादी, पर आपने ऐसा कुछ कहा जो मुझे बहुत ही मजाक लगा, इसीलिए मैं मजाक से आपको कह दी, अब आपको बुरा लग रहा है, अब आप ही बताइए ये सब कहना जरूरी था क्या? अच्छा ठीक है मैं जाके दोनों के लिए खाना ले आती हूँ। दादी दादी, प्लेट में मत लाइएगा, लंच बॉक्स में ले आइएगा। लंच बॉक्स में क्यों पोते साहब, स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, लंच बॉक्स लेके कहाँ जाके खाओगे? शारदा की ऐसी बातें सुन के भव्या मजाक में कहने लगती है, तालाब किनारे जाके वहाँ बैठ के खाएंगे। ये सुनकर शारदा बड़े गुस्से से भव्या को देखने लगती है और मनी मन सोचती है, इसकी मजाक बिल्कुल इसकी माँ की तरह, अब क्या करे, बहू के खून को तो लाड़ प्यार देना ही पड़ेगा। जब वो ऐसा सोच ही रही थी, दादी आप इस तरह देखने से भी मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं दादाजी नहीं हूँ कि मैं डर जाऊंगी, मैं तो आपकी पोती भव्या हूँ, अपनी बाप की बेटी, जाके जल्दी से लंच बॉक्स में सब्जी चावल पैक कर दीजिए, जाइए, वैसे भी हमें बहुत देर हो गई है। ठीक है महारानी जी। इस तरह से कहकर शारदा किचन की तरफ चली जाती है। फिर बच्चे हरीश और भव्या अपने में बात करने लगते हैं। हाँ भैया, ये तरकीब तुमने बहुत अच्छी दी है, तालाब का बोट, बोट में छतरी लगा हुआ, उस तालाब के ठंडे ठंडे पानी के ठंडी ठंडी हवा में
बोट पे बैठ के खाना खाने में हमें कितना मजा आएगा। आज हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे बहन, इसीलिए तो लंच बॉक्स साथ में ले जाने का हमने प्लान किया है। जैसे ही दादी चावल सब्जी बना के ले आती है, हम दोनों तालाब के लिए निकल जाएंगे। तालाब जाके नाव पे बैठ के हम मजे से खाना खाएंगे। ठीक है भैया। तब तक शारदा लंच बॉक्स लेकर उन दोनों के पास आती है। ये लो लंच बॉक्स, कहाँ जाओगे, कहाँ जाके बैठ के खाओगे ये सब तुम जानो। तो क्या तुम्हारी माँ रोज तुम लोगों को ऐसे ही खाना बांध के देती है? हाँ दादी। इस तरह कहकर दादी माँ के हाथ से लंच बॉक्स लेकर हरीश और भव्या वहाँ से चले जाते हैं। शारदा एक लकड़ी के चेयर पे बैठकर हाथ पंखे से पंखा करने लगती है। तभी अनामिका दुखी होकर शारदा के पास आती है। बहू तुम्हें पानी चाहिए क्या? पानी के साथ साथ चाय भी चाहिए माँ जी, बहुत सर दर्द हो रहा है। इस गर्मी में तुम चाय पियोगी? जाके घड़ा में पानी रखा है, पी लो, इससे अच्छा लगेगा। क्या माँ जी क्या गर्मी, सोचा था हाईवे का रास्ता है, बढ़िया से वहाँ पे ढाबा लगाएंगे तो अच्छे पैसे कमाएंगे, व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी होगी। पर इस गर्मी के कारण पूरा व्यापार मंदा हो गया, एक पैसे की कमाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ घाटा। ये सब लेके तुम सोचती रहोगी तो कमाई बढ़ेगी नहीं, सिर्फ बढ़ेगा तो सर दर्द। इसलिए ज्यादा सोचो मत, हम इसका एक तरकीब ढूंढ निकालेंगे। हमने अपने ढाबे पे किस चीज की बंदोबस्त नहीं की बताइए, पर फिर भी हमारे ढाबे पे कोई नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा क्या समस्या है। पता नहीं ये दुनिया कैसी है बहू, मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। ठीक है माँ जी, मैं ढाबा के बारे में कुछ सोचती हूँ, पर ये बताइए हरीश और भव्या वो दोनों कहाँ गए? उन्हें भूख लगी थी, मैंने कहा कि खाना देती हूँ तो उन्होंने कहा कि लंच बॉक्स में दो, तो मैंने लंच बॉक्स में पैक कर दिया। ये बताओ क्या तुम उन लोगों को रोज लंच बॉक्स में खाना देती हो? हाँ माँ। फिर बच्चे रोज लंच बॉक्स लेकर कहाँ जाके खाना खाते हैं? मुझे नहीं पता माँ जी, जाके मैं ढूंढ के देखती हूँ ये लंच बॉक्स ले जाके कहाँ खाते हैं। जरूर किसी पेड़ के नीचे दूसरे बच्चों के साथ बैठ के खाते होंगे। बहू तुम ये सब लेके परेशान मत हो, पहले तुम ढाबा के बारे में कुछ सोचो। फिर मैं ढाबे के तरफ एक बार जाती हूँ। इतना कहकर अनामिका एक छतरी लेकर ढाबे के तरफ जाने लगती है। तभी अनामिका को खेलते हुए बच्चों की आवाज सुनाई देती है। वो पलट के देखती है, ढाबे से थोड़ी ही दूर पे एक तालाब था, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। वो उत्साह के साथ वहाँ पे देखने के लिए चली जाती है। हरीश और भव्या छतरी लगा के उसी तालाब में बैठकर खाना खा रहे थे। अनामिका भी जाके वहाँ पे बोट पे बैठ जाती है। उसे वहाँ पे बड़ी ठंडक महसूस होती है। अच्छा बच्चे, यहाँ ठंडक महसूस हो रही है इसीलिए लंच बॉक्स लाकर तुम लोग यहाँ पे खाना खाते हो? हाँ माँ। उसकी बातें सुनके अनामिका को एक तरकीब सूझती है और मनी मन सोचती है, अगर हम यहीं पे ढाबे का बंदोबस्त करें तो कैसा रहेगा, अभी तक ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा। पहली बार ऐसा हम करेंगे कि तालाब किनारे ढाबा लगाएंगे, देखकर लोगों को भी अलग लगेगा और वैरायटी लगेगा। ऊपर से गर्मियों का मौसम है, हमें ठंडी हवा मुफ्त में मिल जाएगी, इससे व्यापार अच्छा चलने का चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सब देखकर मुझे भरपूर कॉन्फिडेंस आ रहा है, अभी जाके मैं सासू माँ को ये बात बताती हूँ। ये सब सोचकर दो तीन दिनों के अंदर ही वो तालाब किनारे एक ढाबा खोल देती है। उस तालाब किनारे ढाबे पे अनामिका सासू माँ को ले जाती है। इतनी दूर कौन आएगा बहू? आएंगे माँ जी, आप बस देखते रहिए, आप देखिए व्यापार कैसे चलता है। इस तरह कहकर वो अपने हाईवे वाले ढाबे के पास शारदा को लेके जाती है। एक बड़े से बोर्ड पे वेलकम टू समर ढाबा बड़े बड़े अक्षरों में लिख देती है। ये कैसा है माँ जी? बहुत बढ़िया बहू, दिन में ऐसे ही ढाबा चलेगा, पर रात में हम यहाँ पे रंग बिरंगा लाइट जलाएंगे, क्या कहती हो? हाँ जरूर माँ जी। कुछ भी कहो, तुम तो कमाल की हो, चलो अब हम व्यापार करते हैं। इस तरह शारदा कहती है। फिर शारदा और अनामिका दोनों तालाब किनारे वाले होटल के पास जाती है। सास बहू का तालाब किनारे वाला होटल लोगों को बड़ा पसंद आता है, व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है और पूरा परिवार एक साथ मिलके सुखी सुखी जीवन बिताने लगते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
एक मिट्टी के घर में प्रसाद अपने दोनों हाथों से रोटी का आटा गूंथकर खड़े थे। अचानक से दरवाजे के सामने सूट बूट में अपने दोस्त महेंद्र को देखकर प्रसाद उन्हें पहचान लेते हैं। महेंद्र, कैसे हो तुम? वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। इस तरह कहने पर महेंद्र अंदर आता है। यहाँ पे बैठो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर प्रसाद वहाँ से किचन की तरफ चला जाता है। वहाँ पे सास बहू शारदा और अनामिका रोटियाँ बनाकर उसे पैक कर रही होती है। अरे शारदा, तुम्हारे दिए हुए आटे को मैंने अच्छे से गूंद दिया है, और भी कुछ गूंदने को है क्या? बाहर में गोबर है, जाइए उसे अच्छे से गूंद दीजिए और दीवार पे गोईठा डाल दीजिए। अरे शारदा, अभी तक मैं 10 केजी गेहूं का आटा गूंदा हूँ, मेरे हाथ दर्द हो रहे, अब नहीं हो पाएगा। ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? आप और रमेश बैठ बैठ के काम करते हैं, मैं और बहू कब से खड़ी होकर रोटियां बना रही हूँ। हमारे तो पैर के साथ साथ हाथों में भी दर्द होते हैं, अगर ये सब काम ना करूँ तो 2 वक्त की रोटी हमारे मुँह में भी नहीं जाएगी। जब मैं कुछ कहता हूँ तुम्हारी इस उंगलियों की कहानी शुरू हो जाती है। अच्छा, प्रसाद दुखी होकर चेहरा बना के वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर शारदा हंसने लगती है। क्यों माँ जी, आप पिताजी को क्यों छेड़ती है? इतनी देर से उन्होंने आटा साना है, थोड़ा उन्हें आराम करने को कहिए ना। मैं उन्हें नहीं छेड़ रही हूँ बहू, वो खुद ही कर रहे हैं ऐसा काम। अब देखो, बेटे के साथ जाके हाथ पैर धो के आराम से आके लकड़ी की कुर्सी पे बैठ जाएंगे। शारदा कही रही थी, तब तक अनामिका का फोन जो कि बेंच पे रखा हुआ था वो बजने लगता है। रमेश वो फोन लेकर अनामिका के पास आता है। फोन ऑन करके वो अनामिका के कानों के पास पकड़ता है। 1000 रोटियां बन चुके हैं सर, बस पैकिंग चल रही है, मैं आधे घंटे के अंदर रोटियां लेकर होटल के पास रहूंगी। इस बात के बाद रमेश फोन अनामिका के कानों से हटा लेता है। अजी, एक बार बाहर जाके देखिए तो स्कूटी की हालत क्या है, और जल्दी आके मुझे बताइए। ठीक है अनामिका, अभी जाके मैं देख लेता हूँ। उधर प्रसाद अपने दोस्त महेंद्र से बात कर रहे होते हैं। किचन से शारदा और अनामिका रोटियों का बॉक्स लेकर बाहर निकल के आती है। वो महेंद्र को देखकर पहचान जाती है, वो बातचीत कर रहे थे। तब तक रमेश स्कूटी देखने के लिए बाहर आता है, वो स्कूटी चेक करता है। ओके, कंडीशन तो ठीक है। वो सोच ही रहा था कि तब तक अनामिका स्कूटी के पास आती है। अनामिका, माँ कहाँ है, अभी तक नहीं आई? आ रही है जी, पिताजी के दोस्त आए हैं ना, वो उनसे बातचीत कर रही है अभी। तब तक शारदा अपने दोनों हाथों में बड़े बड़े टिफिन बॉक्स लेकर बाहर निकल आती है। ठीक है अनामिका, तुम ध्यान से जाना, कहकर रमेश घर के अंदर चला जाता है। अनामिका स्कूटी लेकर तेज गति से जाने लगती है। पीछे बैठी सासू माँ शारदा अपने दोनों हाथों से कस के लंच बॉक्स पकड़ी होती है और डरते हुए कहती है, अरे बहू, तुम क्या चाहती हो, मेरे फोटो पर माला चढ़ जाए? इतनी तेजी से गाड़ी चला रही हो, थोड़ा आहिस्ता चलाओ, दोनों हाथों में 2 टिफिन बॉक्स है। पहले से ही माँ जी, हम 1 घंटा लेट है, उस 1 घंटे को कवर करने के लिए मैं तेज चला रही हूँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आराम से बैठिए। अब बातों को घुमा के करेले का जूस मत पिलाओ, आहिस्ता चलाओ, कुछ जरूरत नहीं है तेज जाने की। रास्ते में कोई दूसरी और गाड़ियाँ नहीं आ रही है, ऊपर से होटल में सारे कस्टमर्स रोटियों के लिए इंतजार कर रहे होंगे ना, आप शांति से बैठिए। आज तक तुमने मेरी कोई बात सुनी है जो आज सुनोगी? ऐसा ना हो जाए कि इस चक्कर में मेरे हाथ से 1 टिफिन बॉक्स छूट जाए, तब तुम्हें समझ में आएगा। अरे माँ जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए, आपको दिक्कत हो रही है, चलिए मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलाती हूँ। इतना कहकर अनामिका अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर देती है और आहिस्ता चलाने लगती है। उधर बाप बेटा रमेश और प्रसाद लकड़ी के चेयर पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं। पिताजी, आपको ये सास बहू को कहना होगा कि 10-10 केजी का आटा गूंदने के बाद हाथों में बहुत दर्द होने लगता है। हाँ बेटा, दर्द के मारे रात को नींद भी नहीं आई, मैं भी वही सोच रहा था, जैसे ही सास बहू लौटेगी मैं उनसे बात करूँगा। इस तरह बाप बेटे के बीच बातचीत चल रही थी। उधर एक बड़े से होटल के सामने अनामिका जाके अपनी स्कूटी रोकती है। दोनों एक एक हाथ में टिफिन बॉक्स लेकर सीधा मैनेजर के कमरे में जाती है। क्या हुआ अनामिका, आज बहुत देर हो गई। सॉरी मैनेजर साहब, पहली गलती है, माफ कर दीजिए, कल से बिल्कुल समय पे रोटियां लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगी। नहीं नहीं, अब हमें रोटियां नहीं चाहिए,
अब हमें मलाई पूरी की जरूरत है। पूरियों का भी नाम होता है मैनेजर बाबू। पूरी कहने का मतलब ये खाने वाला पूरी नहीं है, एक तरह की मिठाई है। इस मिठाई की मार्केट में बहुत डिमांड है। अगर सास बहू मिलके ये मिठाई बना के दो तो अच्छा व्यापार करोगी, तुम लोगों को भी अच्छा पैसा मिलेगा। पैसों की बात नहीं है मालिक, लेकिन इस मिठाई को घर पे कैसे बनाते हम नहीं जानते हैं। सीख लो अनामिका, माँ के पेट से माँ बोलना किसी को नहीं आता, समय लगता है। वही बात है, तुम्हें तरह तरह की मिठाइयाँ बनानी आती है, अगर मलाई पूरी नहीं बनानी आती है तो क्या हुआ, उसे सीख लो। सीख लूंगी बाबू, मलाई पूरी सीखनी है ना, मैं बनाकर लेकर आऊंगी, आप बनाने के लिए पैसे दे दीजिए। अनामिका के इस तरह से कहने पर मैनेजर उसे पैसे दे देते हैं। पैसे लेकर सास बहू वहाँ से चली जाती है। उधर घर पे बाप बेटा नए कपड़े पहनकर बाहर खड़े थे। तुम लोग आ गए, तुम लोगों के लिए हम इंतजार कर रहे थे। इंतजार तो ठीक है, पर इतना सज धज के क्यों बैठे हैं? अरे शारदा, आज मेरे अमीर दोस्त की बेटी का सारी फंक्शन है ना, हमें वहाँ पे जाना था, तुम भूल गई क्या? प्रसाद के कहने पर तब शारदा को याद आती है। अरे हाँ जी, मैं तो भूल ही गई थी, रुकिए मैं और बहू तैयार होकर अभी आते हैं। इतना कहकर सास बहू अंदर चली जाती है। 15 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से तैयार होके सास बहू बाहर निकल आती है। फिर सभी लोग मिलके फंक्शन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सास बहू को एक मलाई पूरी का बोर्ड दिखता है। वो देखकर, माँ जी इसी मिठाई के बारे में होटल के मालिक कह रहे थे ना? देख के तो लग रहा है कि सर ने जो कहा था वही मिठाई है बहू, चलो एक बार खा के देखते हैं। इस तरह कहकर सास बहू जाती है मलाई पूरी खाने के लिए। दोनों मिलके अच्छे से मलाई पूरी खाती है। उन्हें मलाई पूरी का स्वाद बड़ा ही अच्छा और नया लगता है। इस मिठाई का स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है। सही कहा माँ जी, इसका तो बड़ा अच्छा स्वाद है, इसीलिए तो बाजार में इसका इतना डिमांड है। होटल मैनेजर ने भी कहा था ना, उन्हें यही मिठाई चाहिए। अगर हम बनाना सीख ले तो कैसा रहेगा, फिर हम दोनों हाथों से पैसे कमाएंगे। मैं भी वही सोच रही हूँ माँ जी। इस तरह वो खाती है, फिर रात को घर लौट के वो दोनों सो जाती है। अगले दिन सास बहू जगह जगह पे जाती है ताकि कोई उन्हें खीर पूरी कैसे बनाते हैं वो सिखा दे, लेकिन कोई उन्हें मदद नहीं करता। ठीक उसी दौरान एक बुजुर्ग भूखी महिला उनके घर के सामने आती है। मालकिन मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाने दे दोगी तो मलाई पूरी कैसे बनता है मैं बताऊंगी। बुजुर्ग महिला की वो बात सुनकर सास बहू दोनों ही बहुत खुश होती है। दादी अम्मा, सच में आपको मलाई पूरी कैसे बनता है पता है क्या? हाँ माँ, पहले मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, फिर मैं सिखाऊंगी। अभी मैं चावल लाके आपको देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, ये बुढ़िया खाने के लिए झूठ बोल रही है, इसे देख के ही उल्टी आ रही है, ये तुम्हें बताएगी कि मलाई पूरी कैसे बनती है। ऐसा क्यों सोच रही है माँ जी, अगर सच में उसे पता हो तो? अनामिका के कहने पे शारदा बिना कुछ कहे बिल्कुल चुपचाप हो जाती है। अनामिका घर के अंदर जाती है और चावल लाके उस बुजुर्ग महिला को देती है। वो बुजुर्ग महिला शांति से बैठ के चावल खाती है और उसके बाद, जो मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनना। फिर अनामिका के कान में जाकर बुजुर्ग महिला कुछ कहती है। वो सुनकर अनामिका खुशी खुशी, बस इतना ही, बिना जाने हुए मुझे कितनी परेशानी हो रही है, तो कल से मैं मलाई पूरी बनाया करूँगी और उसे बेचा करूँगी। अनामिका की ये बात सुनकर वो बुजुर्ग महिला खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से गरीब बहुरानी अनामिका मलाई पूरी मिठाई बनाकर उसे बाजार में बेचना शुरू कर देती है। फिर अनामिका के पास शारदा आके कहती है, बहू ये मलाई पूरी मिठाई बनाने में मैं भी तुम्हें मदद करूं? हाँ जरूर माँ जी। इस तरह सास बहू अनामिका और शारदा मिलके मलाई पूरी मिठाई बनाने लगती है और जहाँ जहाँ फंक्शन होता है वहाँ डिलीवरी देने लगती है। धीरे धीरे उनके बनाए मलाई पूरी का मार्केट में बहुत डिमांड होने लगता है। कई मिठाई के दुकान भी उन्हीं के पास जाकर ऑर्डर देने लगते हैं। इस तरह स्वादिष्ट मिठाई खीर पूरी बनाकर सास बहू का बहुत नाम होता है और इसी के साथ साथ वो बहुत पैसे भी कमाती हैं।
और उन पैसों से अनामिका का पूरा परिवार सुखी सुखी जीवन बिताने लगता है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।